स्टूडेंट, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ये पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंड थीटा कॉसेकेंड थीटा। तो राइट हैंड साइड पे हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सीकेंड थीटा एंड कॉसेकेंड थीटा। लेफ्ट पे हमारे पास है कॉट एंड टैन। तो अगर मैं टैन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, तो बाद में सॉल्व करते करते उसका रेसिप्रोकल निकाल के मैं सीकेंड और कॉसेकेंड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है बच्चों को कि स्टार्ट कहाँ से करना है। कई बच्चे यहाँ पर देखते हैं इसको एलसीएम ले लेंगे, तो वो आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, 70-80% क्वेश्चंस में हम टैन कोट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो बहुत इजी रह जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। टैन थीटा कैसे लिख सकते हैं हम इसको, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, बीच में प्लस बीच में प्लस। सिमिलरली कॉट को भी हम ऐसे लिखेंगे। अब ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज और नीचे से हमें क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एलसीएम। तो ऊपर वाली को हम एज इट इज लिखते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा साइन थीटा, इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली विद दिस टर्म, ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये चीज़ क्या है आपके पास, रेसिप्रोकल होकर ऊपर जा सकती है। तो जब ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगी तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आएगा आपके पास कॉस थीटा और इनटू में ये वाली टर्म। सिमिलरली बीच में प्लस, यहाँ पर भी कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे यहाँ पर साइन थीटा और साइन के साथ में मल्टीप्लाई होकर ये टर्म। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इस पूरी टर्म का एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ पर तो है मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लूँ तो यानी कि ये इसकी जैसी बन जाएगी, तो मेरे पास बहुत ईजी हो जाएगा इनका एलसीएम लेना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि हमने यहाँ पर, नोट दिस पॉइंट, यहाँ पर हमने क्या किया है माइनस को कॉमन लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, बाहर मतलब कि हम यहाँ भी लिख सकते हैं, बीच में आ जाएगा माइनस, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म में साइन थीटा तो एज इट इज, इसमें से कॉमन लिया हमने माइनस, अगर इसमें से माइनस कॉमन लिए तो साइन की जगह पर प्लस और कॉस की जगह पर माइनस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते होगे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो चुकी है, तो अब हम इस टर्म का इजली एलसीएम ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अब इसका एलसीएम लेने वाली हूँ, तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगी कॉस थीटा एंड साइन थीटा में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों के दोनों टर्म आएंगी मेरे पास कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, कॉमन है तो मैं यहाँ पर इसको एक ही बार लिखूँगी, दो बार नहीं लिखूँगी क्योंकि ये एलसीएम है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म का अगर मैं एलसीएम लेना स्टार्ट करती हूँ तो कॉस थीटा कॉस साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो अब हमारे पास क्या टर्म बची है सिर्फ साइन की, यानी कि ये टर्म और ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई है, क्या बची है सिर्फ साइन की। साइन की ऊपर वाली से क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ ऑलरेडी साइन स्क्वायर है, एक और साइन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली बीच में माइनस, इस वाली टर्म को अगर हम देखें तो साइन है साइन है, बाकी ये पूरी टर्म क्या बचा आपके पास सिर्फ कॉस थीटा, तो कॉस और कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये बहुत इजी सी टर्म बन चुकी है आपके पास, इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू
a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक फॉर्मूला होता है, इसी को ही फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a क्या आपके पास साइन थीटा और b क्या आपके पास कॉस थीटा। तो शुरू करते हैं, a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेम टर्म। अब यहाँ से आप देख रहे होगे ये सारी टर्म्स जो है उनका सबका रिलेशन किस में है, ऊपर भी मल्टीप्लाई में है नीचे भी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर ये वाली टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या हो सकती है आपकी कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो इसको लिखते हैं। अब हमें ये भी पता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करते हुए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ। हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो वन होती है तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, वन। तो लिखते हैं। अब ये टर्म आ चुकी है आपके पास। अब देखो यहाँ वन है, इसके नीचे पूरे के नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा है, इस पूरी टर्म के नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इसको। मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगी। अब जब मैंने सेपरेट करके लिखा तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसिल। इसकी जगह पे क्या बचा आपके पास, वन। और इस वाली टर्म के लिए क्या बचा आपके पास, वन बाय कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, बीच में प्लस है तो मैं प्लस लगा रही हूँ। वन बाय कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू इंटू क्यों, क्योंकि इनका रिलेशन भी किस में है, मल्टीप्लाई में। तो वन बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा। तो यही आपने प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।